वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ गौरव, योर ज्योग्राफी फैकल्टी एट शौर्य एंड विवेक डिफेंस एकेडमी. इन दिस वीडियो सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी टॉपिक्स जो कि आपके CDS में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉट जस्ट इन CDS, CDS, CAPF एंड ऑल्सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर NDA. तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियोज लाने वाले हैं विच आर हाईली प्रोबेबल, जिसे क्वेश्चन पक्का बन सकता है. और ये जो हमारा एनालिसिस है वो एनालिसिस हमने किया है पिछले जो 3-4 साल के CDS का पेपर हम उठा के जब चेक कर रहे हैं कि कैसे हमारा CDS का ट्रेंड इवॉल्व हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए. सो वही हम एकदम कंसाइज वे में पढ़ेंगे उसे, जिसे आप भी लगे कि हाँ यार एग्ज़ाम के जस्ट 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप अगर उसे गो थ्रू करते हो तो आपको श्योरली हेल्प मिलेगी, राइट. सो विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कि एकदम सिंपलेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, दैट इज़ क्लाइमेटोलॉजी. अब क्लाइमेटोलॉजी वैसे तो बहुत बड़ा खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें का भी हम बहुत क्रूशियल टॉपिक लेंगे, दैट इज़ क्लाउड. ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड और क्वेश्चंस भी काफ़ी बेसिक ही होते हैं. और लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ आपके PYQ अगर सॉल्व हो रहे हैं सो हाफ ऑफ योर टास्क इज डन देयर इट सेल्फ, राइट. सो स्टार्ट करते हैं हमें स्टार्ट करना है क्लाउड से. सो द बेसिक मीनिंग ऑफ क्लाउड हम सभी को पता है, ठीक है. क्लाउड सब होता क्या है, अगर क्लाउड समझ के आपके माइंड में उसका इमेज आपको याद आ रहा है, आपने अगर जनरल ऑब्जर्वेशन हम सभी ने किया है उतना अगर बन रहा है सो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ इनफ, उतना ही चाहिए हमें. ठीक है, हम क्या करेंगे लिमिटेड बुक की लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज से हम ट्राई करेंगे कम से कम पढ़े और जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जर्वेशन, हम उस पर ज़्यादा एम्फोसिस करने वाले हैं. ओके, सो स्टिल क्लाउड्स आर नथिंग बट दे आर दी एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस, वेरियस गैसेस, देन डस्ट पार्टिकल एंड येस द लास्ट इज वॉटर वेपर. ओके, अगर आपको इतना पता है क्लाउड्स के बारे में सो काफ़ी है. ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वॉट आर दी टाइप्स ऑफ क्लाउड. ठीक है, हम बाहर अगर घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं यार कि रोज़ रोज़ सेम टाइप ऑफ क्लाउड नहीं होते. कभी होता है कि यार आज बहुत ज़्यादा बादल दिखेंगे आपको आसमान में, कभी होता है कि पूरा क्लियर हमें दिखता है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी आप देखोगे कि यार छोटे छोटे पैचेस में हमें क्लाउड्स दिख रहे हैं, राइट. सो देर आर सर्टन नंबर ऑफ पेरेंट्स क्लाउड, पेरेंट्स क्लाउड जिसे हम कहते हैं यार मेन टाइप ऑफ क्लाउड, जो हमारे 4 मेन टाइप ऑफ क्लाउड है वो कौन से हैं, क्योंकि जब यही अलग अलग क्लाउड्स एकमेक को क्लब कर जाएंगे, एकमेक के अंदर मर्ज कर जाएंगे, सो हो सकता है कि एक नया टाइप ऑफ क्लाउड बन सके. ओके, सो द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर, जो हमारे 4 बेसिक टाइप ऑफ क्लाउड होते हैं कौन कौन से होते हैं, सीरस, कम्यूलस, स्ट्रेटस एंड निम्बस. ओके, तो वही हम एक एक स्लाइड से देखते हैं. सो फर्स्टली वील रीड इट आउट इम्पॉर्टेंट, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि हमारे NCERT के अकॉर्डिंगली दी गई है. क्लाउड्स इज एक्युमुलेशन और ग्रुपिंग ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स दैट आर सस्पेंडेड इन दी एटमोसफियर. ये तो हम सभी ने पढ़ा ही है. ओके, आफ्टर दैट सेम पॉइंट है दैट दे आर दी मासेज दैट कंसिस्ट ऑफ ह्यूज डेंसिटी, वॉल्यूम एंड हेंस इट इज़ विजिबल टू नेकेड आई. ओके, ये भी हमें पता है कि हाँ यार हम तो उसे इजीली देख सकते हैं. देन क्लाउड्स इज अ मासेस ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, दे आर दी मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड से हमें बारिश मिलती है. ओके, तो ये सब पॉइंट्स हमें पता है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि वॉट आर दी टाइप्स ऑफ क्लाउड. ओके, सो बेस्ड ऑन दियर हाइट, किस हाइट पर कौन सा क्लाउड मिल रहा है, उसका एक्सपांशन कितना है, एक्सपांशन मतलब वो कितना फैला हुआ है या कितना लिमिटेड स्पेस में ही एक्यूमुलेटेड है. देन डेंसिटी अलग होती है, हर एक क्लाउड की डेंसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि कुछ कुछ क्लाउड्स हमें बारिश देते हैं, कुछ कुछ क्लाउड्स हमें बारिश नहीं देते हैं. सो ऑब्वियसली हैवियर कौन सा होगा, जिसमें कैपेसिटी है कि हाँ यार वो रेन ला सकता है ज़मीन पे, सो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी. देन ट्रांसपेरेंसी, ओपैकनेस ऑफ क्लाउड्स, इन कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हमारे कुछ टाइप्स ऑफ क्लाउड हमने कैटेगराइज किए. सो ओवरऑल वी आर हैविंग द 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड. ठीक है, 4 पेरेंट्स क्लाउड. अब ये 4 पेरेंट्स क्लाउड कौन कौन से है हमारे पास, द वेरी फर्स्ट हियर आई एम राइटिंग इज दी सीरस क्लाउड, CIRRUS. सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्लाउड है, दैट इज सीरस क्लाउड. दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज कम्यूलस क्लाउड, CUMULUS, दैट इज कम्यूलस क्लाउड. थर्ड टाइप ऑफ क्लाउड इज स्ट्रेटस क्लाउड, STRATUS. एंड लास्टली इट इज निम्बस. ओके, सो ये है हमारे 4 मेन टाइप ऑफ क्लाउड, और हम इसे ये भी कह सकते हैं दैट दिस आर दी 4 पेरेंट क्लाउड. ये हमारे पेरेंट क्लाउड हो गए. ओके, सो व्हाट आर दे, अगेन वी विल रिवाइज, दैट इज सीरस, कम्यूलस, स्ट्रेटस एंड निम्बस. ये 4 हमारे क्लाउड्स हो गए. अब हमें क्या करना है, इन सभी के कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं.
ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर याद रखोगे आप तो अल्टीमेटली जब एक क्लाउड दूसरे क्लाउड में क्लब कर जाएगा या मर्ज कर जाएगा तो इसी की प्रॉपर्टी से हमारा नया क्लाउड इवॉल्व होगा. ओके, सो आई होप दैट यहाँ तक आपको क्लियर है सब कुछ. सो द वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज सीरस क्लाउड. अब देखो, सीरस को जो है ये सुनने में ही ऐसा लगता है हमें कि यार सीरस से हमारे दिमाग में आता है दैट समथिंग इज सीरियस, कुछ ना कुछ सीरियस है. ओके, तो जैसा इसका नाम है वैसे इसकी प्रॉपर्टीज भी है. सीरस हमें खुद ही बता देगा दैट ये क्लाउड बहुत ज़्यादा सीरियस होता है. ठीक है, आउट ऑफ चार क्लाउड्स में से सबसे ज़्यादा सीरियस जो है वो सीरस क्लाउड है. अब आप ही इमेजिन करो कि आपका ग्रुप है, चार लोगों का ग्रुप है, उसमें से एक बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है हमेशा, तो आप क्या ऐसे लोगों के साथ में रहना पसंद करोगे क्या? तो मुझे तो नहीं लगता. ठीक है, तो वो हमेशा लोनली रहेगा, अलग रहेगा, ये सारी चीज़ें हो सकती है. ओके, तो सीरियस जो होता है वो हमेशा आइसोलेटेड रहेगा, चार लोगों से हमेशा, चार लोगों के बीच में ना रहते हुए वो अपना अलग रहेगा. ओके, और ये क्या करेगा, ये ऐसा सीरियस यानी सरदर्द बन के रह जाएगा. तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, बाकी चारों में से हमेशा सभी के ऊपर बैठा रहेगा. ठीक है, समझ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस होता है. हेंस यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट डिराइव होता है दैट इट इज़ दी हाइएस्ट क्लाउड. ठीक है, क्योंकि क्यों हाइएस्ट? क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस है, सीरियस रहता है, अलग रहता है, सबसे आइसोलेटेड रहता है, तो हमेशा सबके सर के ऊपर जाके बैठेगा. सो इट इज़ दी हाइएस्ट क्लाउड. अब ये हाइएस्ट क्लाउड है. ओके, मतलब कि बियॉन्ड सीरियस, क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट बियॉन्ड सीरियस विल गेट एनी अदर टाइप ऑफ क्लाउड? नहीं. क्यों? क्योंकि वो खुद ही हाइएस्ट है. ओके, सो दीज आर दी हाइएस्ट क्लाउड. अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि यार अब दिखता कैसे है? अब क्योंकि इतना ज़्यादा सीरियस है तो बाकी जो अदर थ्री क्लाउड्स है वो उसे कहते हैं कि यार इतना सीरियस मत रहा करो, थोड़ा कूल डाउन रहो. तो उसे एज अ जेस्चर ऑफ पीस वो उसे एक फेदर देते हैं. ठीक है, ऐसा जेस्चर ऑफ पीस वो उसे एक फेदर देते हैं. ठीक है, क्यों फेदर दे रहे बाकी तीन? कि भाई थोड़ा शांत हो जा, ठीक है, इतना सीरियस नहीं रहना चाहिए लाइफ में. ओके, सो लाइकवाइज वो उसे देते एक फेदर, एंड दिस फेदर सिम्बोलाइज पीस. ये पीस सिम्बोलाइज करता है. अब पीस का कलर क्या होता है, कौन सा कलर पीस को सिम्बोलाइज करता है? हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? वाइट. अब ये वाइट हमें बता देगा दैट वाइट इज द कलर ऑफ सीरियस क्लाउड. यही क्या होता है, सीरियस क्लाउड का कलर होता है. ओके, सो हमने दो पॉइंट्स कौन कौन से पढ़ लिए अभी, दैट इट इज द हाइएस्ट पॉइंट. दिखता कैसे है? इट हैज अ फेदर लाइक अपीयरेंस. कैसा दिखता है ये? फेदर लाइक अपीयरेंस. अब फेदर कैसे होते हैं? थिन होते हैं या फैट होते हैं? थोड़े मतलब पतले होते हैं, लाइटर होते हैं, या बहुत ज़्यादा बल्कियर होते हैं? कैसे होते हैं? जो जैसा आपको लगता है वो पॉइंट आपको लिखना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली, नहीं. ठीक है, तो शायद थिन ही होते हैं फेदर. ओके, तो यही कुछ पॉइंट्स है, तीन पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है सीरियस क्लाउड के बारे में. क्या क्या? दैट दिज आर दी हाइएस्ट क्लाउड. कैसा दिखता है? फेदर जैसा दिखता है. कलर कैसा होता है? वाइट कलर होता है. और दे आर दी थिन एंड डिटैच्ड क्लाउड. डिटैच्ड क्यों? क्योंकि सीरियस है. राइट, सो बस ये आपको तीन पॉइंट याद रखना है. ट्रस्ट मी, आपका आधे से ज़्यादा, ठीक है, आधे से ज़्यादा काम यहीं पे हो जाता है अबाउट सीरियस क्लाउड. ये चार पॉइंट आपको पता है तो मुझे नहीं लगता है, आई मीन ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हम PYQ को एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस पे आपका एक भी क्वेश्चन रिलेटेड टू सीरियस क्लाउड छूट जाएगा. राइट, तो अगेन वील रिवाइज, हाइएस्ट फेदर लाइक अपीयरेंस, वाइट इन कलर एंड थिन और डिटैच्ड क्लाउड. ओके, सो लेट शिफ्ट टू द न्यू वन दैट इज कम्यूलस क्लाउड. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कम्यूलस क्लाउड कौन से होते हैं. तो अब कम्यूलस क्लाउड की स्टोरी ऐसे चालू होती है कि देखो, जब हम छोटे होते हैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, हमें न्यूली सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है हमें, कौन सा? ड्राइंग का. ठीक है, ड्राइंग जब इंट्रोड्यूस होता है तो हमारी सबसे पहली ड्राइंग होती है लैंडस्केप की. लैंडस्केप में हम क्या ही बनाते हैं? सबसे पहले कुछ हम ऐसे माउंटेंस बना देंगे, ठीक है, कुछ हम क्लाउड्स बनाएंगे. क्लाउड्स बनाएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा घर और दो माउंटेन के बीच में से बहती हुई नदी. उस टाइम पे हमने ये जो क्लाउड बनाया था, ठीक है, हम उस टाइम पे जो क्लाउड बनाते हैं शायद हमने कुछ इस तरीके से वो क्लाउड बनाया होगा. ठीक है, हम कुछ ऐसा ही क्लाउड बनाते हैं. तो हम उस टाइम पे जो क्लाउड बनाते हैं एक्चुअली हमने कम्यूलस क्लाउड बनाया हुआ था उस टाइम पे. ठीक है, तो वही होता है हमारा कम्यूलस क्लाउड. अब बस इसी को हमें क्या करना है, इसे ही हमें डिस्क्राइब करना है. ठीक है, हम इसी क्लाउड को डिस्क्राइब कर देंगे. कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम? अब दिखता कैसे? अब ये थोड़ा सा कैसा दिख रहा है कंपेयर टू फर्स्ट वन? इट लुक्स लिटिल बिट क्लम्सी. ठीक है, थोड़ा सा फ्लपी दिख रहा है. ठीक है, फ्लपी दिख रहा है, थोड़ा सा कॉलीफ्लावर जैसा भी दिख रहा है ये. राइट, और इसका बेस कैसा दिख रहा है हमें यहाँ पे? अगर आप इसका बेस देखते हो तो हमें दिखता है बेस इज फ्लैट. ओके, सो दो पॉइंट याद रखना है दैट इट हैज़ अ फ्लैट बेस. इसका बेस फ्लैट होता है एंड इट लुक्स लाइक कॉलीफ्लावर. ठीक है, थोड़ा कॉलीफ्लावर जैसा दिखता है. इट हैज़ फ्लैट बेस.
एंड ऑल्सो हम और इसे डिस्क्राइब करते हैं तो थोड़ा सा हमें कॉटन वुल बॉल जैसा भी दिखता है, जो हमारा कॉटन के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जब कॉटन ब्लूम होता है तो कॉटन भी कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हम इसके बारे में सिर्फ दो पॉइंट याद रखेंगे, दैट इट हैज़ फ्लैट बेस एंड इट हैज़ अ कॉटन वुल अपियरेंस, ठीक है, इट हैज़ फ्लैट बेस एंड इट हैज़ कॉटन वुल अपियरेंस, राइट। तो ये आपको सिर्फ दो पॉइंट फिलहाल के लिए कम्यूलस के बारे में याद रखने हैं, अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है, स्ट्रेटस क्लाउड। अब स्टेटस क्लाउड को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पर्सनली शेयर करना चाहूँगा कि आपको अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको दो चीज़ पे ध्यान रखना। ज्योग्राफी में सारी चीज़ें आपको नेचर में दिख जाएगी, गूगल पे उसका इमेज मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो उसका जो वर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, एंड हमेशा ज्योग्राफी में वर्ड्स कहाँ से डिराइव होते हैं, आइदर लैटिन और ग्रीक। तो ट्राई करो कि उस वर्ड को आप नेट पर सर्च करके उसका इमेज देख लो, अगर इमेज विजिबल नहीं है तो चेक करो कि यार वो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है, वो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। ओके, तो जब हम स्ट्रेटस समझते हैं तो स्ट्रेटस वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, किस वर्ड से, स्ट्रेटा, और स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर। ओके, तो जैसा वो दिख रहा है उसके बेसिस पे हमने नाम दिया है, राइट। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि यार स्ट्रेटस का मतलब लेयर होता है। ओके, तो यही होता है अबाउट स्ट्रेटस क्लाउड के बारे में, दिज आर योर लेयर्ड क्लाउड। अगर से कभी आपको बाहर घूमने जाओगे दिखता है कि यार पूरा आसमान आज बादलों से घिरा हुआ है, ठीक है, सो दोज वेयर नथिंग बट दी स्टेटस क्लाउड, ठीक है, वो सारी लेयर्स हमें दिखेंगे। अब जब मैं लेयर्स कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं आपको फोटोज़ भी दिखाऊंगा, बट फिलहाल आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि एरो शो चालू है, बहुत सारे फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जब लास्ट में जब कुछ फॉग छूटता है जेट के पीछे तो हमें कुछ इस तरीके के क्लाउड्स बनते हुए दिखते हैं, तो वो होते हैं हमारे लेयर्ड क्लाउड। मतलब लेयर्ड क्लाउड आपको उस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यार कम्यूलस कैसा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम फोटोज भी देखने वाले इसके। सो दिस आर योर लेयर्ड क्लाउड। ओके, सो बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। देखो अभी तक हमने तीन क्लाउड्स पढ़े, सीरस हाइएस्ट होता है, फेदर लाइक होता है एंड थिन होता है, देन कम्यूलस इट हैज़ फ्लैट बेस एंड कॉटन वुल अपियरेंस, लास्टली जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस, स्ट्रेटा का मतलब ही होता है लेयर, तो वही उसकी प्रॉपर्टी, दैट दिज आर दी लेयर्ड क्लाउड, वो लेयर्ड क्लाउड हो गया। लास्ट बचता है हमारा निम्बस क्लाउड, ठीक है, निम्बस क्लाउड जो कि सबसे इजी और सभी का बहुत ही फेवरेट भी होता है। निम्बस नाम में ही समझ में आता है, कुछ ना कुछ नींबू यहाँ पे दिखता है, एंड हमारी फेवरेट ड्रिंक समर टाइम पे नींबू पानी ही होती है, तो नींबू पानी हमें ये बता देता है कि यार ये जो है दिज आर योर रेन बेयरिंग क्लाउड, ठीक है, दिज आर योर रेन बेयरिंग क्लाउड। अब क्या मुझे इसका कलर बताने की ज़रूरत है, इसका क्या मुझे कलर कैसा होता है निम्बस क्लाउड का, जब यहाँ पे लिखा है कि यार उससे बारिश आएगी तो यार कलर बताने की ज़रूरत है, ठीक है मुझे, ठीक है, फिर भी आपको ही पता होगा दैट ये ब्लैक कलर के होते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, एक चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, हमने पहला क्लाउड जो वाइट से स्टार्ट किया था, वाइट कलर से स्टार्ट किया था, वो धीरे 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 लास्ट का जो क्लाउड हम पढ़ रहे हैं शिफ्ट होते होते वो कहाँ पर आ गया है, ब्लैक कलर पर आ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे क्लाउड्स का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। सेम चीज़ होता है, हम इसे पढ़ रहे हैं, इसे सीरस को हमने पढ़ा था, दीज आर दी हाईएस्ट क्लाउड, ये हमारे हाईएस्ट क्लाउड होते हैं, ठीक है। सेम हाईएस्ट से अब क्या हो रहा है, रेन बेयरिंग क्लाउड जो कि सबसे सबसे लोवेस्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है, ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो सबसे कम हाइट पे हमारे निम्बस क्लाउड होते हैं। तो हमें यहाँ पे भी क्या देख रहा है कि यार इसकी हाइट भी धीरे धीरे कम होते जा रही है, ठीक है, उसकी हाइट भी कम होते जा रही है। तो सीरस के बाद कम्यूलस, कम्यूलस के नीचे स्ट्रेटस, स्ट्रेटस के नीचे निम्बस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिखता है कि यार कैसे हाइट में ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है, कैसे कलर में ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है। ओके, जो यहाँ पे वाइट था कम्यूलस क्लाउड हो जाता है हमारा थोड़ा सा वाइट टू ग्रे, ठीक है, वाइट टू ग्रे हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है थोड़ा सा डार्क ग्रे, ठीक है, जो स्ट्रेटस क्लाउड थे वो थोड़ा सा हमारा डार्क ग्रे हो जाएगा, एंड लास्टली वो शिफ्ट हो जाएगा ब्लैक कलर पे, राइट। तो प्लीज़ ये जो चार क्लाउड्स थे, दिज आर योर फोर मेन टाइप ऑफ क्लाउड और फोर पेरेंट क्लाउड, इसकी बस दो दो तीन तीन प्रॉपर्टी है, अलग से याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। नाम पे फोकस करना, नाम डिराइव कहाँ से हुआ है इस पे फोकस करना। यहाँ पे हम आपको यही सिखाने वाले हैं कि यार कैसे आप एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, कम से कम पढ़ के आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट अपने एग्जाम में ला सकते हो। अल्टीमेटली CDS के बारे में एक चीज़ ये समझो कि साल में दो बार होता है, मतलब UPSC खुद आपको चांस दे रहा है कि यार उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, 3 या 4-5 महीने में आप पूरा सिलेबस कवर अप कर सकते हो, राइट। तो चलो इसी पॉइंट के बेसिस पे हम इसके कुछ PYQs डिस्कस करते हैं, और बिफोर डिस्कसिंग द PYQs आई विल शो यू हाउ एक्चुअली इट लुक्स, ठीक है, ये सारे क्लाउड्स अब रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं। ओके, सो थोड़ा ध्यान देना है आपको यहाँ पे और बताना है, ठीक है, कि कौन सा क्लाउड किस टाइप का है। अब ये जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, हमें चार पता है, एक तो कॉटन वुल बॉल कुछ इस तरीके का था,
देन हमने देखा था कुछ फेदर लाइक थे, ठीक है, फेदर लाइक कुछ ऐसा था। स्टेटस क्लाउड मैंने बताया था कि यार लेयर्स में दिखता है ऐसे बहुत सारा, पूरा आसमान जो है क्लाउड्स के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा उस दिन, ठीक है, तो ये लेयर्ड क्लाउड हो गया। और निम्बस क्लाउड तो हम सभी को पता है, तो इसमें से कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है इसमें से, ठीक है, तो इसमें से ये होता है हमारा सीरस क्लाउड। इफ़ आपको लग रहा है कि यार ये कम्यूलस है या स्ट्रेटस है, ठीक है, तो एज ऑफ नाउ नो नीड टू वरी, जब आप उन्हें देखोगे तो पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस आर योर सीरस क्लाउड, ठीक है। इसके बारे में फिर थोड़ा सा बस हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, अदरवाइज ऑल द पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, वो जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें हमने बहुत अच्छे से उसे डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सीरस क्लाउड, ठीक है, सीरस क्लाउड हो गया। नेक्स्ट, ये किसके जैसा दिखता है, ठीक है, क्या ये एग्जैक्टली वही क्लाउड्स थे जो हम फर्स्टली लैंडस्केप में ड्रॉ करते हैं, फ्लैट बेस, ठीक है, फ्लैट बेस, कॉटन वुल बॉल, कॉटन वुल बॉल जैसा दिख रहा है कुछ, है ना, तो ये कौन सा हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्लाउड, दैट इज कम्यूलस क्लाउड। नेक्स्ट, थोड़ा सा हाइट अलग से मेंशन कर लेना आप, ठीक है, अननेसेसरी हम उस चीज़ों पे स्ट्रेस नहीं देंगे क्योंकि हमें बहुत ही लिमिटेड वे में मैक्सिमम चीज़ हम आपको देना देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, तो जो स्ट्रेटस क्लाउड थे हम इसकी बात करें, क्या आपको अब बादलों के अलावा कुछ और दिख रहा है आसमान में, ठीक है, द कंप्लीट कंप्लीट स्काई हैज़ बीन कवर्ड बाई द क्लाउड्स, और इसे हम कहते हैं स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं। एंड लास्टली, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, दिस आर दी नींबू पानी, दैट इज रेन बियरिंग क्लाउड, राइट। तो यही थे हमारे चार टाइप ऑफ क्लाउड, इसके बेसिस पे अब आप चेक करो कि क्या आपके PYQ बन रहे हैं या नहीं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस आए थे, और प्लीज़ ध्यान देना कि जितने भी PYQ होते हैं वो रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2015 में था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन शायद 18 या 20 में भी आया हुआ है। ओके, तो अभी सीरस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सीरस के बारे में कुछ दिख रहा है इसमें से, कौन सा हो सकता है, दैट इट इज़ फेदरी अपेयरेंस, ठीक है, तो एक तो बनता है हमारा ये। देन स्ट्रेटस, स्ट्रेटस में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली एक्सपांड होता है, वर्टिकली होता है, ये आपको देखना है। निम्बस के बारे में हमने क्या पढ़ा है, निम्बस के बारे में एटलीस्ट हमने रेन पढ़ा है। कम्युलस के बारे में क्या पढ़ा है, कम्युलस के बारे में हमने देखा है कि यार इसका बेस फ्लैट होता है, ठीक है, कॉलीफ्लावर जैसा होता है, कॉटन वूल जैसा होता है। यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है यही आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में सारे के आंसर दे सकते हो। एंड इफ़ यू वॉन्ट द PDF यू कैन काइंडली ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो प्लीज़ इसे आंसर आपको कमेंट में करना है। देन सिमिलरली देखो, मैं वही आपको बता रहा था, 2015 NDA एंड 2018 अगेन CDS, सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट होता है, और ऐसा कई बार हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर आप सेकेंड CDS टारगेट कर रहे हो तो प्लीज़ जितने भी आपके लास्ट 3 ईयर में पेपर हुए हैं उसे आंसर रट के चले जाना। सो अगेन, क्लाउड्स, रेन बियरिंग क्लाउड किस में होता है, रेन बियरिंग क्लाउड, सिंपली आपको नींबू पानी याद आना चाहिए, सो दीज आर दी निम्बस क्लाउड। नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, अभी ये जो आता है IAS 104 इसको देख के ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, अल्टीमेटली सेम ही बॉडी है जो कि सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। अभी भले हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस ना किए हो, बट ये चेक करो कि कौन सा आप एलिमिनेट कर सकते हो, कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं हम, कम्यूलस क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई क्लाउड, उसे क्या हम हाई क्लाउड कहते हैं या सीरस को कहना चाहिए, ठीक है, आपको ये चीज़ आपको ही सोचनी है, ठीक है। कम्युलस क्लाउड्स आर वाइट एंड थिन, क्या ये थिन होता है क्या, ठीक है, एंड फेदर अपीयरेंस होता है क्या कम्युलस का, ये भी आपको सोचना है। सीरस क्लाउड हैव फ्लैट बेस, क्या इसका बेस फ्लैट होता है क्या सीरस का, तो लाइक वाइज चेक करो कि कौन से आप एलिमिनेट कर सकते हो। एंड द लास्टली, यही आपका होमवर्क है जो कि आया था आपके CDS 1/2023 में, तो ये आपका होमवर्क है, कौन सा यहाँ पे रिसेंबल करता है। अगर पॉइंट नहीं पता तो एटलीस्ट यूज़ दी एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करो, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट लेके आना है आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, आई होप आपको पढ़ने का तरीका और स्मार्ट स्टडी में कुछ डिफरेंस समझ में आया होगा। आप इफ़ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, ऐसे हम बहुत सारे वीडियोज़ लाने वाले हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ बेनिफिशियल then kindly share the video as well. So thank you so much. This is Gaurav signing off.